कि नॉर्मली कई कस्टमरों को दिक्कत आती है, जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटी है, पानी वगैरह, ये जैसे गड्ढे वगैरह ऑफ रोडिंग टाइप, तो इनमें कैसे आपका क्या एक्सपीरियंस है इसको देख। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं हम आज आपका एक और नए वीडियो में वापस से। तो आज है हमारे पास तुनवाल कंपनी की तरफ से आने वाली लिथिनोली मॉडल, जिसका हम करने वाले हैं आज कस्टमर रिव्यू। तो हमारे साथ हैं स्कूटी के ओनर विशांत दलाल। तो आप एक बार हमको यूँ बताएं कि आपको कितना टाइम हो चुका है इसको ले हुए। दिवाली पे ली थी मैंने ये, लगभग एक मंथ हो गया। अच्छा, मतलब आपको एक मंथ इसको यूज़ करते हुए हो चुका है। हाँ। तो ये आपने मैक्सिमम अभी तक कितने किलोमीटर चला चुके हो आप इसको? मैक्सिमम 70 किलोमीटर। मतलब आप इसको एक बार चार्ज करने पे या टोटली? चार्ज करने पे 70 किलोमीटर। अच्छा, मतलब एक बार चार्ज करने पे आपके आराम से 70 किलोमीटर। हाँ। तक दे देती है। हाँ। और मतलब कंपनी ने आपको कितना बोला था? कंपनी में भी इतना ही बोला था। इतना ही? तो ये जो स्पीड है, स्पीड का भी आप एक बार हमको बताओ कि ये कितनी चल जाती है, क्या कुछ है? फुल चार्ज करने के बाद ये स्पीड इसकी चली जाती है 50-55 के। 50-55 ये आराम से चली जाती है। और जैसे नॉर्मली कई कस्टमरों को दिक्कत आती है, जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटी है, पानी वगैरह, ये जैसे गड्ढे वगैरह ऑफ रोडिंग टाइप, तो इनमें कैसे आपका क्या एक्सपीरियंस है इसको देखते हुए? कुछ नहीं है, ऑफ रोडिंग भी करी है, गड्ढों में भी चलाई है, कुछ नहीं, गड़बड़ बिल्कुल सही चल रही है। मतलब अभी तक ठीक चल रही है। और जैसे जो ये इसमें दिख रही है अलग से, ये एसेसरी, ये आपको कंपनी से साथ मिली है या आपने अलग से आफ्टर मार्केट लगवाई है? कंपनी से ही मिली है साथ में। आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं? रोहतक ही से। अच्छा, आप रोहतक से ही। आपने ये ली कहाँ से थी? मैंने आपकी वीडियो देख के ली थी ये कहीं से। अच्छा, मतलब आपने हमारी वीडियो देख के इस इलेक्ट्रिक स्कूटी को लिया था? यस। ये कहाँ से ली थी आपने? ये यहाँ पे सुप्रा शॉप पे पैरल ऑटो इलेक्ट्रिक के नाम से है, वहाँ से ली थी। अच्छा, मतलब इधर से रोहतक से ले रखी है। अच्छा, मतलब आपको उनकी सर्विस कैसी लगी? सर्विस बिल्कुल अच्छी अब तक। जैसे आपको एक मंथ हो चुका है तो आपने सर्विस करवाई है इसकी? हाँ, कराई एक बार। अच्छा, एक सर्विस इसकी हो चुकी है। एक बार। तो कैसी लगी आपका, क्या एक्सपीरियंस रहा उस सर्विस में? बिल्कुल अच्छा, सब कुछ बिल्कुल सही करके दिया, बिल्कुल चमका चमकू के दिए, नट नुट टाइट करके दिया, बिल्कुल सही। जैसे ये तो हो गई इसकी खूबियाँ, आपको इससे अलावा इसकी कोई खूबी लगती हो वो आप हमको बताना चाहें? यहाँ पे पांच, जैसे किसी को साथ में बिठाना हो, दो से ज्यादा बिठाने यहाँ पे बैठ सकते हैं, पीछे गिरने का डर नहीं है, इसे सपोर्ट है। अच्छा, ये बैक रेस्ट इसमें कंपनी से ही लग के आया? कंपनी से ही लग के आया, बाकी चीज तो सेम ही नॉर्मल सारों में होती है, वो ही है इसमें। अच्छा, और जैसे सेंटर लॉकिंग वगैरह का जो ये इसमें है एंटी थीफ्ट अलार्म, इसका आपको कोई फायदा लगता है? हाँ, वो क्या कहते हैं, मैं जैसे लॉक करके अंदर चला जाता हूँ, कहीं पे घर पे जाता हूँ तो कोई इसको छेड़ता है तो ये टू टू बजने लग जाती है, पता चल जाता है कोई छेड़ रहा है या चोरी होने का डर बिल्कुल नहीं है। अभी जैसे रोहतक में मैंने न्यूज में देखा था कि कई सारी वारदातें हो रही हैं वहाँ पे मेडिकल साइड भी, कि इलेक्ट्रिक स्कूटी चोरी हो रही है। अभी दो चोर पकड़े भी गए थे इलेक्ट्रिक स्कूटी को चुराते हुए। तो आपको कभी ऐसा कोई मतलब यूं लगा है कि आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी को कोई चुरा सकता है? ना, ऐसे तो बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा। ये क्यों नहीं लगा आपको? ये कोई छेड़ता है जो इसमें सायरन बजने लग जाता है, कोई छेड़ रहा है, अगर कोई छेड़े भी तो इससे डर के भाग जाता है। हाँ, सायरन बजने लग जाता है, मैं भी आ जाता हूँ वैसे बाहर आता हूँ। अच्छा, सायरन से ये। ओके, और जैसे मीटर वगैरह में इसमें क्या क्या पता लग जाता है हमको? बैटरी का पता लग जाता है, स्पीड कितने किलोमीटर चली है, ये सब कुछ पता लग जाता है। अप्रोक्सीमेटली इसके बारे में आपको सारी चीजें इसके मीटर में मिल जाएंगी? हाँ, सब कुछ जो भी हमको जानना है। ये हमको कितनी बैटरियों में मिल जाती है? ये 5 बैटरियों मिलती है। ये हमको मतलब 5 बैटरियों में मिल जाती है, 70 तक ये किलोमीटर निकाल देती है। और स्पीड आपने कितनी बताई थी? 45-50 के साथ। मतलब 45-50 समथिंग ये आराम से चल जाती है नॉर्मल रोड्स पे। तो जैसे ये तो हो गई इसकी खूबियां, तो क्या आपको कोई इसमें कमी भी फेस हुई है इसकी? अभी तक तो नहीं हुई, वैसे कमी है, वो कमी नहीं कहते, सारी एक्टिवा में ही होती है। जैसे मैं पेट्रोल से इलेक्ट्रिक पे आया एकदम, तो इससे मेरे को पता नहीं चलता ब्रेकिंग का, जैसे हम रेस देते हैं एक्टिवा में ब्रेक दबाते हैं तो रेस देते हैं जब भी चलती है, लेकिन इसमें ऑटो कट हो जाता है उसका, ब्रेक दबाते ही बैटरी पावर बिल्कुल नहीं जाती उसमें। अच्छा, मतलब जैसे ही हमने ब्रेक दबा दिया तो रेस देने से स्कूटी चले नहीं? बिल्कुल नहीं चलेगी। अच्छा, तो मतलब एकदम से अगर पेट्रोल से इस पे शिफ्ट होते हैं तो मैक्सिमम कितना टाइम लग जाता है इसको सीखने में? एक हफ्ता लग जाता है वैसे। एक हफ्ते में मतलब हाथ बिल्कुल जम जाता है इस पे। अच्छा, बाकी इसमें आपको एक कम्फर्ट वगैरह इसका कैसा लगता है? कम्फर्ट बिल्कुल अच्छा इसका, सब कुछ अच्छा है। और जैसे तो नॉर्मली ये इलेक्ट्रिक स्कूटी हैं, कई जैसे हाइटेड पर्सन, जैसे आपकी भी हाइट काफ़ी अच्छी है, तो कईयों को दिक्कत आती है कि जो उनके नीज हैं वो हैंडल पे अटते हैं? नहीं, अब तक तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। नीज और आपने कोई और भी स्कूटी देखी हो उधर जिसमें? हाँ, आपने और भी देखी थी, वैसे उसमें मेरे को अच्छी लगी, लेकिन इसका लुक भी अच्छी है, इसकी स्पीड है बिल्कुल अच्छी है। अच्छा, तो मतलब इसमें आपको कोई भी नी वगैरह की कोई भी दिक्कत नहीं? बैटरी बैकअप भी बिल्कुल अच्छा है इसका, कोई दिक्कत नहीं आई। तो और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने तो ये मेहंदी कलर लिया है, इसमें और कितने कलर अवेलेबल हैं? इसमें ब्लैक है, रेड है,
ये बहुत सारे हैं वैसे तो, आप ले अच्छा। सकते हो किसी में भी, लेकिन मतलब 4-5 कलर इसमें कंपनी की तरफ से ऑप्शन दिए गए हैं हमें, लेकिन मेरे को ये ठीक ही लगा। अच्छा, मतलब ये जैसे गंदा वगैरह भी ब्लैक लेना चाहता है, लेकिन ब्लैक मिला नहीं तो मैंने यही ले लिया, ब्लैक अवेलेबल नहीं होगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर हमारी मुलाकात होती रहेगी, हो सका तो आप फिर भी वीडियो में आते रहेंगे। ओके।